Hi everybody, start where you are, use what you have, do what you can, begin. Today is 20th of September 2022, let us have a quick discussion of all these important topics. This is Telegram quiz, every day in morning we are having 5 such multiple choice questions, join. Then this is quiz number 139, geography. Sun ka halo is produced by the refraction of light in ice crystals in cirrus clouds. Cirrus feather like hote hain aur bahut high altitude pe hote hain. Cirrus clouds. Which of the following pairs of planets is without satellites? The answer is Mercury and Venus. The earth is nearest to the sun on 3rd of January. 3rd of January ko sun se nearest hoti hai earth. 365.25 days. इसमें अर्थ का एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होता है तो हर 4 साल में 0.25 मतलब 1/4 मल्टीप्लाई बाय 4 सो एवरी फोर्थ ईयर हम एक साल ऐड कर देते हैं टू कंपनसेट दिस 0.25. व्हेन डज सोलर एक्लिप्स अकर? सोलर एक्लिप्स तब होता है जब मून आ जाता है अर्थ और सन के बीच में. तो बिकॉज डिस्टेंस का प्रिंसिपल लगता है, मून नियर है तो बड़ा नज़र आएगा और इसके कारण सन शेडो पे आ जाता है, सन पे शेडो आ जाती है, सन ब्लॉक हो जाता है. सो दैट इज कॉल्ड सोलर एक्लिप्स. आज के सवाल हैं, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द ग्रेट लेक्स ऑफ द USA फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा? Which of the following is called Garden of Lakes? The waterfall Victoria is associated with which river? Which of the following is not correctly matched? इनमें से क्या correctly matched नहीं है? Strait of Dover किन दो places को connect करती है? किन दो sea को connect करती है? Strait क्या होता है? Strait is a narrow water body connecting two large water bodies. So these are 5 questions for today. आज की वोकैबुलरी है कोरोबोरेटिंग. कोरोबोरेटिंग का मतलब होता है किसी चीज़ की पुष्टि करना, कन्फर्म और गिव सपोर्ट टू. पेन स्टेकिंग का मतलब है श्रम साध्य, डन विद और एम्प्लॉइंग ग्रेट केयर एंड थॉरोनेस, केयरफुल मेटिक्यूलस. ग्रैट्यूटस का मतलब होता है एच्छिक, अनकॉल्ड फॉर, लैकिंग गुड रीजन, अनवॉरेंटेड. बिलाए मतलब झुटलाना, ऑफ एन अपियरेंस, लाइक फेल टू गिव अ ट्रू नोशन और इम्प्रेशन ऑफ समथिंग. फैमिश्ड का मतलब है भूखों मरना, फीलिंग अ डिज़ायर और नीड फॉर फूड. सो ये वोकैबुलरी है आज के लिए. इफ़ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो. वोकैबुलरी अच्छी होना बहुत ज़रूरी है, सटीक शब्दों का प्रयोग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ दिस इज सी सेट में भी एवरी डे बेसिस पे ये 2 सवाल आपको सॉल्व करने हैं. दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. इंस्टॉलमेंट्स कितने होंगे बताइए. एंड सेकेंड क्वेश्चन इज वर्क द डिस्टेंस ऑफ द फैक्ट्री फ्रॉम हिज हाउस. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. इसकी एक प्लेलिस्ट है 32 वीडियोज़ का सी सेट का, वो प्लेलिस्ट आप बिंज वॉच कर लो. उसके बाद डेली बेसिस पे ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करो, सी सेट में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी. देन 20th ऑफ सेप्टेम्बर के ये 2 सवाल हैं. इलूसिडिएट द रिलेशनशिप बिटवीन ग्लोबलाइजेशन एंड न्यू टेक्नोलॉजी इन अ वर्ल्ड ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया. सो ये 2022 मेंस का सवाल है. रिलेशनशिप बताना है ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, और नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, और रिसोर्सेज स्कार्स है, इनके बीच का रिलेशन बताना है, और किस रेफरेंस में? इंडिया के रेफरेंस में. बड़ा अच्छा सवाल है. आंसर, व्हाट आर द फोर्सेस दैट इन्फ्लुएंस ओशन करेंट्स? सो इट इज़ लाइक की प्रिपेयर अ नोट ऑन ओशन करेंट्स. डिस्क्राइब देयर रोल इन द फिशिंग इंडस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड. ये जितनी भी फिशिंग इंडस्ट्रीज है, 2 ओशन करेंट्स मिल रहे हैं, जैसे कोल्ड और वार्म ओशन करेंट मिल रहे हैं. इधर से गल्फ आ रही है, दिस गल्फ ऑफ अलास्का आ रही है, देन गल्फ स्ट्रीम आ रही है, और यहाँ पे अलास्कन करंट आ रहा है, तो यहाँ एक फिशिंग जोन बनेगा. सो ये एक्सप्लेन करना है. डिस्क्राइब द रोल इन द फिशिंग इंडस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड. सो दीज आर 2 क्वेश्चंस. और क्वेश्चन लिखने के बाद गो टू दिस वेबसाइट, डिस्कस इनेबल है, किसी भी सोशल मीडिया लॉगिन से आप लॉगिन कर सकते हैं, एंड सबमिट योर आंसर्स. पेन एंड पेपर में लिखना है, पेन एंड पेपर में, A4 साइज़ का पेपर, पेन एंड पेपर, उसका फोटो क्लिक करना है और अपलोड करना है इस वेबसाइट पे. ऑलराइट, सो दीज आर 2 क्वेश्चंस फॉर टुडे.
लास्ट जो सबमिशन था वो था 16th का, भी डिस्कस करना है, ये ऐसे है, बट सम स्टूडेंट्स आर सेइंग कि एक दिन का और टाइम चाहिए, ऑल दो अराउंड 30 समथिंग सबमिशंस आ चुके हैं, सो आई विल गिव यू वन मोर डे, इसको मैं कल पॉजिटिवली डिस्कस करूँगा ये सारे ऐसे के सवाल, तो एक दिन का और टाइम है, राइट एन ऐसे, ये इस साल के ही टॉपिक्स हैं 2022 मेंस के, राइट एन ऐसे एंड सबमिट। आइडियाज़ के लिए ये जो सबमिशंस है ना, आप इनको भी एक बार देख सकते हो, दीज आर वेरी गुड कॉपीज़ ऑल राइट। सो ये होगा 16th का, हम कल डिस्कस करेंगे, देन 20th का वी विल डिस्कस प्लस टू, मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे वी विल डिस्कस। सो दीज आर क्वेश्चंस फॉर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। अब सोशल मीडिया अपडेट देखते हैं, तो आप हैं कनक लता बरुआ, 22nd दिसंबर 1924 टू 20th ऑफ सितंबर 1942, सच यंग एज, शी वॉज वन ऑफ द यंगेस्ट मार्टर्स ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट। आपने लेड किया था मुक्ति बाहिनी, अ प्रोसेशन ऑफ फ्रीडम फाइटर्स टू अनफर्ल द ट्राइकलर एट गोहपुर पुलिस स्टेशन। तो आप हैं फ्रीडम फाइटर कनक लता बरुआ। एक वर्ड अक्सर हम न्यूज़ में देख रहे हैं, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट, ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट वाले बीचेस कौन से हैं इंडिया में, आंसर। सो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट उन बीचों को दिया जाता है जहां स्वच्छता के पैमाने बहुत अच्छे हैं, ये सर्टिफिकेट का मिलना मतलब वो और प्रतिष्ठित हो जाता है बीच, और मान्यता प्राप्त स्वैच्छित इको लेबल अवार्ड उसे मिला है। तो ये समुद्र तटों, मरीना बीच, सस्टेनेबल बोटिंग टूरिज्म ऑपरेटर्स को दिया जाता है। ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण के प्राप्त करने के लिए लगभग 33 मानदंड हैं, जैसे कि पानी की गुणवत्ता के कुछ मानकों को पूरा करना, अपशिष्ट निपटान की सुविधा होना आदि एट्सेट्रा। सो द पॉइंट इज, इफ अ बीच इज ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड, देन इट इज़ अ पैरामीटर, इट इज़ अ सर्टिफिकेट कि दैट बीच इज़ रियली रियली गुड। सो वहाँ पे टूरिज्म ज़्यादा आएगा, ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे और ओवरऑल इकोनॉमी बेटर होगा। सो दिस इज़ अ सर्टिफिकेशन। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट के कितने बीचेज हैं इंडिया में, आंसर, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट। आपको पता है ट्रीज आर एबल टू कम्युनिकेट एंड डिफेंड देमसेल्व्स अटैकिंग इंसेक्ट्स। ये जो ट्रीज होते हैं ना, प्लांट्स, इनमें भी लाइफ होती है। और ये जो एक्सपेरिमेंट है किस इंडियन साइंटिस्ट ने किया था, कि जो फ्लोरा है, जो प्लांट्स है, इनमें भी लाइफ होता है। सो कम्युनिकेट भी करते हैं, इनको भी पेन होता है, सोरो होता है, बीमार भी होते हैं, एंड दे डाई एज वेल। सो ट्रीज कैन फ्लड देयर लीव्स विद केमिकल्स कॉल्ड फेनोलेक्स व्हेन द इंसेक्ट्स बिगिन देयर रेड। इंसेक्ट्स कई बार अटैक करते हैं ट्रीज पे। दे कैन ऑल्सो सिग्नल डेंजर टू अदर ट्रीज सो दैट दे कैन स्टार्ट देयर ओन डिफेंस मैकेनिज्म। ट्रीज में भी एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है, इंसेक्टिसाइड्स एट्सेट्रा। Some trees produce more tannin, making their leaves harder for the pests to digest. So they also have one defense mechanism and they communicate with each other. So this is trees. Every bottle counts. This is a very sorrow picture. ये है polyethylene terephthalate, PET. ये एक polyester है, synthetic fibrous material है, जिसको packaging में use करते हैं, bottles बनती है, mineral waters. द पॉइंट इज़, ये अक्सर एंड हो जाती है इस तरीके से सी में या वाटर बॉडीज़ में, एंड प्लास्टिक डिग्रेड नहीं होता है, सो दिस क्रिएट्स प्रॉब्लम। एवरी प्लास्टिक बॉटल दैट हैज़ एवर बीन मेड स्टिल एग्जिस्ट इन वन फॉर्म और अनादर बिकॉज दिस इज़ नॉट डिग्रेडेबल। सो 8 रीजन्स नॉट टू यूज़ प्लास्टिक बैग्स। इट पॉल्यूट्स नेचर, इट्स कॉस्टली टू बाय एंड क्लीन अप, इट डजंट डिग्रेड, इट हार्म्स एनिमल्स, इट्स हार्ड टू रिसाइकल, it harms human health, it's made from fossil fuel, there is a better alternative. So these are 8 reasons ki plastic bags hame use nahi karne. Ab aapne jaise ye 8 points bataye na, this is the art of answer writing. Hame aise sochna aana chahiye, ye koi bade points nahi hai, everybody can frame these points, but again you have to do this in real time, exam time pe, aur wo tab behtar hota hai jab hamari practice hoti hai. सो दैट इज़ वाई मैं आपको ऐसे पॉइंटर्स बताता रहता हूँ कि ये एक रेडीमेड इस तरीके के टैम्पलेट्स तैयार हो जाए कि किसी ने आपसे पूछा प्लास्टिक बैग क्यों यूज़ नहीं करना चाहिए। एक होगा आप जेनेरिक वर्बोसिटी आप बता रहे हैं, दूसरा आप पॉइंट वाइज बता रहे हैं, पहला रीज़न ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ये चीज़ होती है ना, ये ऑब्जेक्टिव थिंकिंग कहलाती है और ये अप्रिशिएट की जाती है। ओके, अब इसमें कुछ रिलेटेड आप लॉज बताओ, फैक्ट्स बताओ, नंबर्स बताओ, सो आपकी जो बातें होगी उसका वजन बढ़ेगा।
Then, did you know 98% of the single-use plastic products are produced from fossil fuel or virgin feedstock? The level of greenhouse gas emission associated with the production, use and disposal of conventional fossil fuel-based plastic is forecast to grow 19% of the global carbon budget by 2040. So this is a big burden. That is why India mein single-use plastic ka ban kar diya hai. Aap batao, ye single-use plastic kya hota hai? What is this single-use plastic? Alright? Now let us come to the Hindu newspaper. So Hindu ने कुछ formatting change किया है आज अपना. So this is the Hindu और this is Indian Express, Indian Express. So first news है death penalty, Supreme Court moots fair hearing. See, death penalty, हमने पहले भी देखा है punishment का purpose क्या होता है, या तो reform हो रहा है, या फिर justice हो रहा है, या फिर deterrence हो रहा है. कुछ क्राइम्स बहुत हीनस क्राइम होते हैं, बहुत हीनस क्राइम होते हैं, तो उसमें डेथ पेनल्टी होता है, वहाँ पे कैपिटल पनिशमेंट दिया जाता है. कैपिटल पनिशमेंट के साथ प्रॉब्लम ये है कि बाय द वे अगर वो जो डिसीज़न लिया वो गलत हो गया, या फिर हमने किसी इनोसेंट को हमने से डेथ पेनल्टी दे दिया. द प्रॉब्लम विद डेथ पेनल्टी इज़ हम इसको करेक्ट नहीं कर सकते, इसमें कोई सेल्फ करेक्शन या कोई करेक्शन पॉसिबल नहीं है. वन अ पर्सन इज़ गॉन, द पर्सन इज़ गॉन. सो दैट इज़ वाई जब भी बात आती है डेथ पेनल्टी का, इसमें बहुत केयरफुल, बहुत स्क्रूटिनी की जाती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, प्रेसिडेंट के पास मर्सी का ऑटोमेटिकली प्रोविज़न आ जाता है, अपील करने का ऑटोमेटिकली राइट आ जाता है कॉन्विक्ट को, जिसको पेनल्टी, डेथ पेनल्टी मिला है, टू द प्रेसिडेंट एज वेल. हायर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट्स में भी अपील कर सकते हैं. सो देर आर ड्यू रिगार्ड्स, ड्यू सेफ गार्ड्स. अब बात ये है, अगर वर्ड का आज की टेंडेंसी देखें तो कैपिटल पनिशमेंट से वर्ड थोड़ा दूर जा रहा है. मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आज हैं जो अभी जो ओपिनियन है वो ये है कि कैपिटल पनिशमेंट को हम किसी दूसरे फॉर्मेट, दूसरे किसी फॉर्म में कन्वर्ट करें, बिकॉज वंस अ पर्सन इज गॉन तो इट इज़ लाइक ओवर, लाइफ इज़ ओवर. सो द पॉइंट इज, इट कुड वर्क एज अ डेटरेंस, बट द पॉइंट इज इसमें वो रिफॉर्म का एंगल नहीं आ सकता है, और प्लस ह्यूमन एरर का हमेशा स्कोप रहता है. सो अक्सर जो जजेस एट्सेट्रा जो अवॉर्ड करते हैं डेथ पेनल्टी, वो बहुत थॉरो, बहुत केयरफुल होते हैं कि कोई गलती नहीं हो जाए प्रूफ में, हियरिंग में, इंटरप्रिटेशन में, एट्सेट्रा. सो दैट इज़ वाई फिर से ये बात है कि एक मीनिंगफुल, रियल एंड इफेक्टिव हियरिंग हो, मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेज बिफोर अ ट्रायल जज. क्या प्रोसीजर अपनाया जाए, किन केसेस में डेथ पेनल्टी दी जाए, जैसे यूजुअली बहुत रेयर टू रेयर केसेस में ही डेथ पेनल्टी मिलती है. सो द आइडिया इज़, इसमें एक फिर से अभी डिबेट स्टार्ट है, और इस पर अभी एक आगे एडिटोरियल भी है, लेट अस कंटिन्यू इट ओवर देयर. बट द आइडिया इज़ अगेन, डेथ पेनल्टी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, प्रो एंड अगेंस्ट दोनों के तरफ काफ़ी साउंड आर्ग्यूमेंट्स है, इस पर हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक ओपिनियन बनाएंगे. बट द आइडिया इज़ कि जो पनिशमेंट है, पनिशमेंट कभी भी रिवेंज के लिए नहीं दिया जाता है. हमारा कोई भी काम रिवेंज ड्रिवन नहीं होता है, रिवेंज ड्रिवन नहीं होता है. वी डू पनिशमेंट देते हैं तो तीन ही रीज़न होते हैं, जस्टिस, सेकेंड रीज़न होता है जस्टिस, सेकेंड रीज़न होता है रिफॉर्म, और थर्ड रीज़न होता है डिटेरेंस. दिस इज़ द वे फॉरवर्ड. This is end of an era. This is Queen Elizabeth II in London on Monday. This is parade. Then this is Biden vow to defend Taiwan's ex-Beijing. अभी एक interesting development है. जो Biden ने openly कह दिया कि Taiwan पे अगर China attack करता है, then उस केस में जो USA है वो Taiwan को defend करने आएगा, US Army. So this is a big and bold statement. Let us see अभी ताइवान स्ट्रेट पे क्या आगे चीज़ें डेवलप होती है, बिकॉज मिस्टर शी जिनपिंग की डॉक्ट्राइन हमें पता है, चाइना में डॉक्ट्राइंस चलती है. जैसे पहली जो डॉक्ट्राइन थी, जो चाइना की पॉलिटिकल पार्टी है, चाइना एक्चुअली अभी कम्युनिस्ट पार्टी रूल करती है यहाँ पे, तो 1949 का जो सिविल वॉर था उसमें कुओमिनटांग ताइवान चले गए और मेनलैंड चाइना में कम्युनिस्ट आ गए. अब ये जो कम्युनिस्ट पार्टी है, इसकी पहली डॉक्ट्राइन थी स्टैंड अप, जाओ एंड लाई के टाइम पे स्टैंड अप. फिर डेंग ज़ियाओपिंग डॉक्ट्राइन आई, जिसका मतलब था इकोनॉमिक सुपर पावर बनना है. और फिर आती है शी जिनपिंग डॉक्ट्राइन, और जिसका मतलब है कि चाइना अब अपने को मिलिट्री पावर शो करना चाहता है. सो दैट इज़ वाई ये सारे टेंट्रम्स हो रहे हैं यहाँ पे. एक बड़ी अच्छी प्लेलिस्ट है, मैंने ये टेलीग्राम पे शेयर किया था. इफ़ यू वॉन्ट टू लर्न मोर अबाउट चाइना तो हैव अ लुक एट दैट वीडियो सीरीज़. चाइना के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है.
This is 23 years on. Kashmiri is said to relish entertainment in dark halls. This is an excellent move. So अब वापस नॉर्मलसी है. यहाँ पे थिएटर्स भी होंगे. एडमिनिस्ट्रेशन प्लान कर रहा है 10 जिलों में इस तरीके के मूवीज एट्सेट्रा सब नॉर्मलसी यहाँ पे आएगा. सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू. देन ये इसका एडिटोरियल है नोइंग द किलर. डेथ पेनल्टी को किस तरीके से देखा जाए. Sentencing after conviction is a knotty problem in cases relating to capital offences. कि आप conviction हो गया है कि ये गुनहगार है but उसको 10 साल सजा दें 20 साल सजा दें या फिर उसका life ही ले लें ये decision लेना बहुत मुश्किल होता है. Trial judges are called upon to make a decision on whether only a death sentence will meet the end of justice or life term will be enough. तो जो कलम जो sentence सुना रहा है इमेजिन उसके माइंड पे क्या चल रहा होता है कि मुझे इसको या तो इसकी जान लेनी है या फिर इसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट देना है. वो जो सेंटेंस सुना रहा है जज उसके ऊपर डिपेंड करेगा. सो ट्रायल जजेस आर कॉल्ड अपॉन टू मेक अ डिसीजन कि डेथ सेंटेंस दें लाइफ एंड कर दें या फिर लाइफ टर्म सेंटेंस दें वहाँ पे. अब इसके नॉर्म्स ऐसे होते हैं कि डेथ पेनल्टी रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ही होगा. इसके अलावा बहुत ही ग्रूजम नेचर का ऑफेंस है तभी ये होगा रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में होगा. सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड भी देखा जाता है कॉन्विक्ट का और उसका स्टेट ऑफ माइंड देखा जाता है हेल्थ इश्यूज़ देखे जाते हैं देन ओनली कैपिटल पनिशमेंट दिया जाता है. अब इस पे जवाब ये आता है कि किस तरीके से इसको और बेटर एक्यूरेट बनाया जाए या फिर कैपिटल पनिशमेंट को हटा दिया जाए. जैसे मोस्ट ऑफ द जो वर्ल्ड के कंट्रीज हैं अभी वो दे आर ट्राइंग टू मूव अवे फ्रॉम कैपिटल पनिशमेंट. प्लस जो सेंटेंसिंग है कि जो कॉन्विक्ट है उसको भी प्रॉपर लॉयर्स के थ्रू रिप्रेजेंटेशन हो अपनी बात कहने का हो. बिकॉज इंडिया डेमोक्रेसी है पूरा हर किसी को फेयर चांस मिलता है अपनी बात रखने का. सो सेम डे सेंटेंसिंग हैज़ बीन अपहेल्ड बाय सेवरल जजमेंट कि सारे जो आर्ग्यूमेंट्स काउंटर आर्ग्यूमेंट्स हैं सेम डे हो देन उसके बाद डिसीजन लिया जाए. द होल थिंग इज़ देयर टू इंश्योर कि कोई भी इनोसेंट या फिर कोई ह्यूमन एरर नहीं हो जाए. बिकॉज एक बार किसी को कैपिटल पनिशमेंट दे दिया तो हम लाइफ को वापस नहीं ला सकते. सो दैट इज़ वाई बहुत श्योर होने पर और बहुत रेयर केस में प्रॉपर प्रोविजंस होने के बाद ही कैपिटल पनिशमेंट दिया जाता है. अब आइडिया ये है कि इसको कैसे एड्रेस किया जाए. बिकॉज इसमें पूरा एक इकोसिस्टम है. जेल अथॉरिटीज़ हैं प्रोबेशन ऑफिसर्स हैं साइकोलॉजिस्ट होते हैं. तो द आइडिया इज़ डेथ पेनल्टी कैसे एड्रेस किया जाए. अब अगेन जो बात है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच क्या नई गाइडलाइन लेके आएगा. कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए. एजुकेशन सोशो इकोनॉमिक अपब्रिंगिंग डिफरेंट फैक्टर्स देखें तब फिर डिसाइड करें कि लाइफ सेंटेंस देना है या फिर कैपिटल पनिशमेंट देना है. तो दिस इज़ अगेन एन ऑनगोइंग डिबेट. अभी फिर से ये मैटर आया है नोइंग द किलर. लेट अस सी. Then the best of four, Bajrang Punia, one of the most decorated Indian wrestler, finest, world's best, collected an unprecedented fourth world championship medal, a bronze in Belgrade. Awesome. हमारे यहाँ के wrestlers बड़े अच्छे हैं. Wrestlers are really good. Shooters भी इंडिया के बहुत अच्छे हैं. So the best of four. Then यहाँ पे बात है हिजाब केस एंड द एसेंशियल प्रैक्टिस डॉक्ट्राइन जो अभी ईरान में हुआ. दैट इज़ अगेन नॉट एक्सेप्टेबल. लाइफ इज़ सुप्रीम. इट इज़ द पीपल ऑफ पाकिस्तान हु आर सफरिंग. अब पाकिस्तान में भी प्रॉब्लम ये रहता है कि पाकिस्तान का जो कॉन्सेप्ट है वही फ्लॉड है. सो उसके कारण क्या होता है पाकिस्तान में कभी भी स्टेबिलिटी नहीं होती. आप इतने 70+ ईयर्स हो गए हैं पाकिस्तान को भी बट अभी भी जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी एट्सेट्रा जो फाउंडेशन है वो बहुत वीक है. और इसका सबसे ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ता है यहाँ के लोकल्स को पीपल सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान. सो दैट इज़ वाई जैसे अभी फ्लड भी हुआ डिज़ास्टर मैनेजमेंट की बात हो रिलीफ की बात हो देर इज़ नो प्रॉपर मैकेनिज्म. सो इट इज़ द पीपल ऑफ पाकिस्तान हु आर सफरिंग. Then this is Chief Justices and this is the number of corruption complaint, Lokpal, Assam Accord, GeM. GeM बड़ा अच्छा initiative है government e-marketplace. जैसे Flipkart होता है Amazon होता है वैसे ही government e-marketplace होता है. सरकारी कोई सामान खरीदना है आपको तो पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि GeM पोर्टल में अवेलेबल है वो टेबल चेयर पेन पेंसिल हर चीज़ मिलती है यहाँ पर तो फिर वो वहाँ से ऑर्डर की जाती है. Then this is Kyrgyz and CO2 emission possible with remaining fossil fuel. हमारा टारगेट है दो हमें भी मतलब कार्बन न्यूट्रल होना है 2070 तक. स्कैंडिनेवियन सोशल डेमोक्रेसी है.
डेमोक्रेसी में ना एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। इसके कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे रेफरेंडम, रिकॉल, प्लेबिसाइट, इनिशिएटिव। इनके मीनिंग क्या है बताइए डायरेक्ट डेमोक्रेसी के? जैसे स्विट्जरलैंड वगैरह में डायरेक्ट डेमोक्रेसी के कुछ एग्जांपल्स दिखते हैं। इंडिया में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी ऐसा है कि हम इलेक्टेड, हम चुनते हैं अपने विधायक, हम चुनते हैं अपने सांसद, और वो फिर हमारे बिहाफ में डिसीजन एट्सेट्रा लेते हैं। प्लस हमारे यहाँ जैसे इनिशिएटिव का या फिर डायरेक्ट कॉल, ये कुछ रिस्ट्रिक्टेड है हमारे यहाँ, ये अवेलेबल नहीं है। दिस इज स्कैंडिनेवियन और स्पेशली जैसे स्विट्जरलैंड में डायरेक्ट डेमोक्रेसी देखने को मिलती है। सो व्हाट आर दीज 3-4 वर्ड्स? रेफरेंडम, प्लेबिसाइट, इनिशिएटिव, रिकॉल एट्सेट्रा। इसको आप कैसे बोलोगे? इसको ऐसे बोला जाता है जैसे ये है 4-3-3-1, जैसे ये 4-4-3-1, 4-4-4, ट्रिपल पहले लिखा है मतलब तीन बार चार है, 4-4-3-1। ओके, जैसे फ़ोन नंबर भी हम बताते हैं तो हमेशा पेयर्स में बताते हैं, जैसे 99 या फिर समथिंग 048, इस तरीके से आप अपना फ़ोन नंबर बताते हो। तो दिस इज़ द वे। देन यस एंड हैव हैड इन पीस ऑफ डायलॉग, जैसे कि हैव यू सीन राम टुडे, When did you see him? अक्सर स्टूडेंट्स बहुत कॉमनली मिस्टेक करते हैं, did is already past, तो इसके साथ एक और हम ED नहीं लगाएंगे या फिर एक और past का नहीं यूज़ करेंगे। did already हो गया है, सो हम ऐसे नहीं करेंगे when did you seen him या saw see, no, when did you see him, simple, when did you see him, alright, did के साथ हमेशा second third नहीं लगाना है। Then जैसे when did you buy them, when did you buy them, was there any difficulty, no, did my friend help you, like this, okay। देन इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रिकल में डिफरेंस क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट होता है और इलेक्ट्रिकल मतलब दैट इज़ अ ब्रांच, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल गुड्स एट्सेट्रा। ओके, देन दिस इज डिफेंस शोज सेट टू मूव आउट ऑफ नेशनल कैपिटल रीजन सून, दिस इज़ अ न्यू डेवलपमेंट। अक्सर ये जितने भी एयरफोर्स डे हुआ, आर्मी डे हुआ या फिर नेवी का भी होता है, यूजुअली कैपिटल में ज़्यादा होते थे, नॉर्दर्न में ज़्यादा हो रहे थे, बट अब इसको स्प्रेड आउट करने की बात है ऑल ओवर इंडिया। इससे बेनिफिट क्या होगा कि अगेन एवरी जोन में सेलिब्रेशंस होंगे तो इंटरेक्शन बेटर होता है, कनेक्टिविटी बेटर होती है। सपोज नॉर्थ ईस्ट में एक शो करते हैं एयरफोर्स शो, लाइक दैट। सो द अदर रीज़न इज टू गिव एन अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट्स फ्रॉम स्कूल, कॉलेजेस, अदर पार्ट ऑफ द कंट्री टू बी पार्ट ऑफ इट। तो ये चीज़ बताए, जैसे इसीलिए मैं आपको इतना बताता हूँ, NCC इज़ रियली गुड। NCC अगर हम इंटरेक्ट करते हैं, वी लर्न सो मेनी थिंग्स। फिजिकल एक्टिविटी होती है, हेल्थ वाइज वो बेटर होता है, प्लस आप फौज की क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, प्लस इसके अलावा वो आप में बहुत अच्छी लीडरशिप स्किल्स एट्सेट्रा भी वो इनकलकेट करने में हेल्प करता है। सो दैट इज़ वाई NCC एट्सेट्रा अगर आपके पास ऑप्शन है तो ज्वाइन करना चाहिए। इट इज़ ऑल्सो टू शो केस अवर प्रोग्रेस अक्रॉस द कंट्री। तो हिंडन एयरफोर्स स्टेशन में ये बताया है कि इंस्टीट्यूशंस को भी पार्टिसिपेट करेंगे एंड दिस प्रेजेंस जो है वो ज़्यादा बढ़ाने की ट्राई करेंगे। लार्जर बेंच डिसीजन प्रिवेल, सुप्रीम कोर्ट ना सेल्फ करेक्टिंग भी होती है। एक बार डिसीजन ये लिया, जैसे हम अक्सर कॉन्स्टिट्यूशन में भी पढ़ते हैं कि से एक केस में डिसीजन कोर्ट ने बोला कि प्रीएम्बल इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फिर समटाइम्स बाद एक और बेंच आई, उसने बोला प्रीएम्बल इज़ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये जो सेकंड बेंच है, ये अगर 5 बेंच है, पहली वाली 3 थी, तो इसका डिसीजन प्रिवेल होगा। जो बड़ी बेंच होती है उसका डिसीजन प्रिवेल होगा और सुप्रीम कोर्ट सेल्फ करेक्टिंग भी होती है। ऑल राइट, तो कुछ तो ग्लिच हो गया है इसमें, ऑडियो अब बेटर होना चाहिए और बीच का कुछ सेक्शन आई थिंक कैंसिल डिलीट हो गया, रिकॉर्डिंग नहीं हुआ है। मैं उसको आइडेंटिफाई करके लेट अस सी। होपफुली मैं यहाँ बता रहा था आपको लार्जर बेंच डिसीजन प्रिवेल्स, इसमें ये बात हो रही थी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो सुप्रीम कोर्ट है, वो सेल्फ करेक्टिंग है और सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजंस ओवर रूल भी कर सकता है। जैसे कभी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजंस चेंज किए। बट जो बड़ी बेंच है, जैसे एक बेंच होती है, जजेस का नंबर ऑफ जजेस एक साथ रहते हैं और वो मिलके डिसीजन लेते हैं। जैसे 3 बेंच है, उसने एक डिसीजन लिया, 5 बेंच ने एक डिसीजन लिया, तो 5 बेंच का ज़्यादा ऊपर माना जाएगा, डिसीजन अपहोल्ड होगा, लार्जर बेंच डिसीजन प्रिवेल्स। आप बताओ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो होती है उसमें मिनिमम कितने जजेस होने चाहिए?
देन दिस इज टू डे इजिप्ट विजिट अग्रीज टू फोकस ऑन डिफेंस कोऑपरेशन. यहाँ पे बात है अभी डिफेंस मिनिस्टर साहब का विजिट हुआ इजिप्ट. इजिप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इजिप्ट अफ्रीका में भी है और इधर इसराइल तक इसकी बॉर्डर आती है इजिप्ट. अब जो इजिप्ट है, इजिप्ट स्वेज कैनाल में भी हमने पढ़ा था. इजिप्ट जो है यहाँ पे एक रिवर है नाइल. सो प्रिपेयर अ नोट ऑन रिवर नाइल. नाइल इज इम्पॉर्टेंट. वाई? बिकॉज नाइल लाइफ लाइन है इजिप्ट का. ये कायरो एटसेट्रा सारा जो लाइफ पॉसिबल हुआ है इट इज़ बिकॉज ऑफ नाइल. सो नाइल कहाँ से स्टार्ट है, कौन से डैम्स हैं यहाँ पे, ऐसे करके एक छोटा सा नोट तैयार करिए. अब इजिप्ट इम्पॉर्टेंट पार्टनर है इंडिया का. अब इंडिया का इम्पॉर्टेंट पार्टनर है डिफेंस. यहाँ पे रिलेशंस अभी स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं और हम एलसीए तेजस भी यहाँ पे आउटसोर्स करेंगे. देन नो नेगोशिएशंस एट द कॉस्ट ऑफ फूड सिक्योरिटी. ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने बताया. तो यहाँ पर बात ये है बिकॉज वंस अपॉन अ टाइम वी वर शिप टू माउथ कंट्री, देन वी गॉट इंडिपेंडेंट आफ्टर फूड आफ्टर ग्रीन रिवॉल्यूशन. यहाँ बात है जो इंटरनेशनल ट्रीटी है ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर. सी जैसे बीटी कॉटन है, बीटी कॉटन बैसिलस थुरिंजेनेसिस. तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन इज रिक्वायर्ड एट टाइम्स सो दैट हम बेटर फूड यील्ड कर पाए, क्लाइमेट एग्रीकल्चर क्लाइमेट रिजिलिएंट एग्रीकल्चर की तरफ आगे बढ़े. सो ये चीज़ है. बट एट द सेम टाइम ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी होना चाहिए और दिस जो इकोलॉजी है उसको डैमेज नहीं करे. सो ये साइन हुई थी ITP GFRA 31st सेशन यूनाइटेड नेशंस FAO रोम 2001 में. फूड सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. कंजर्वेशन सस्टेनेबल यूज ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. प्रेसिडेंट एट क्वींस फ्यूनरल ऑटम ह्यूज ऑफ द वैली. सो ये थे द हिंदू के आर्टिकल्स. डिफेंस मिनिस्टर. देन दिस इज कैन स्टॉप इम्पोज लिमिट्स ऑन स्टूडेंट्स फंडामेंटल राइट्स इन क्लासरूम आस्क सुप्रीम कोर्ट. अनफेयर टू फोर्स वुमेन टू चूज बिटवीन रिलीजन एंड एजुकेशन. एजुकेशन इज पैरामाउंट. Then this is Iran again, not right. This is final farewell Queen Scholz Riyadh visit. Then Ola IMF हमने जो हमारी finance minister है IFC से urge किया India को loan ज़्यादा provide करे. Then this is Air India के assets and Vande Bharat. Iron out का मतलब क्या होता है, tell. So this is there. और एक iron curtain होता है उसका मतलब भी tell. Now this is Indian Express. President at Queen's funeral. Power games. लिफ्टिंग द व्हील. सिक्योरिंग बेसिक स्ट्रक्चर. बेसिक स्ट्रक्चर मैं अब आपको यहाँ पे बताता हूँ. सो वॉट इज बेसिक स्ट्रक्चर. जैसे एक बेसिक खाका होता है, बेसिक नेचर होता है. तो वॉट आई ऑलवेज टेल यू कि खुद को बेसिक आइडेंटिटी चेंज नहीं करना है, अपना बेस्ट वर्जन बनना है, बस बेस्ट वर्जन बनना है. सो कॉन्स्टिट्यूशन का भी एक बेसिक कैरेक्टर है, बेसिक नेचर है, हमको वो चेंज नहीं करना है. कॉन्स्टिट्यूशन में टाइम एंड अगेन जो चेंजेस का रिक्वायरमेंट आता है हमें उसको बदलना है, बजाय पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल दें. क्योंकि इंडिया में जैसे पार्लियामेंट होती है, पार्लियामेंट आर्टिकल 368 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट कर सकती है. बट दैट डजेंट मीन कि कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल जाए. जैसे 42nd अमेंडमेंट मिनी कॉन्स्टिट्यूशन हो गया था, ऐसा नहीं होना चाहिए. सो आर्टिकल 368 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की पावर है पार्लियामेंट के पास. बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट चेंज नहीं होना चाहिए. एक जो बेसिक खाका स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं होना चाहिए. ये जो चीज़ें हैं ना, ये पॉलिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. तो जैसे अभी हमने प्रिलिम्स पढ़ा, प्रिलिम्स बैच में इकोनॉमिक्स पढ़ा. इकोनॉमिक्स के बाद आज हम और मनी फाइनेंशियल सेक्टर देखेंगे. देन वी विल स्टार्ट विद दिस पॉलिटी. एंड पॉलिटी में ये सारी चीज़ें बड़े डिटेल में हम देखेंगे. अब जैसे कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आपको हमेशा न्यूज़पेपर वीडियो और इन जनरल भी बताता हूँ कि ये मस्ट है आपके राइटिंग पे, आपके गेस वर्क MCQ में, आपके इवन इंटरव्यू में. ये चीज़ें रिफ्लेक्ट होनी चाहिए इन योर आंसर्स. जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है इंडिया में. सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नेचर है इंडिया की. हम सेक्युलर हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वी आर सेक्युलर. सेपरेशन ऑफ पावर है लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी Montesquieu. फेडरल कैरेक्टर है कॉन्स्टिट्यूशन का. यूनिटी इंटीग्रिटी इज अ मस्ट. वेलफेयर स्टेट है. सोशो इकोनॉमिक जस्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट 39B&C. जुडिशियल रिव्यू इज अ बेसिक स्ट्रक्चर. मैं आपको हमेशा बताता हूँ फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल पैरामाउंट होती है. पार्लियामेंट्री सिस्टम है, रूल ऑफ लॉ, नियम के हिसाब से काम होता है हमारे यहाँ. हार्मनी एंड बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल है. इक्वालिटी है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन है. जुडिशरी इंडिपेंडेंट होती है. NJSE 99 पे आउट हो गया था. लिमिटेड पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा.
जस्टिस सबको मिलेगा, फंडामेंटल राइट सुप्रीम है, सुप्रीम इन द सेंस इंपॉर्टेंट है, सैक्रोसैंक्ट तो नहीं बोल सकते हम, बट फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है, क्वालिफाइड है, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. देन 32, 136, 114 एंड 142 एब्सोल्यूट कंप्लीट जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है, रेमेडी का पावर दिया गया है. ये आर्टिकल्स क्या है? आंसर 32, 136, 114 एंड 142. देन हाई कोर्ट के पास भी 226 और 227 है. सो ये क्या है? ये बेसिक स्ट्रक्चर है. अब बेसिक स्ट्रक्चर का नाम आते ही याद आता है केशवानंद भारती केस, बट बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब एक डॉक्ट्राइन बन गई, बट ये डॉक्ट्राइन एक दिन में नहीं बनी, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इवोल्यूशन हुआ. फॉर एग्जाम्पल केशवानंद भारती में बोला ये सारी चीज़ें होगी, जो बेसिक स्ट्रक्चर देखा ना 15-20 पॉइंट्स अपने, ये सारी चीज़ें केशवानंद भारती केस में बताया. सिमिलरली इंदिरा नेहरू गांधी केस, जिसको इलेक्शन केस बोलते हैं, वहाँ पर कुछ सर्टेन पॉइंट्स बताए. मिनरवा मिल्स केस में सेंट्रल कोल फील्ड, भीम सिंह जी केस, संपत कुमार केस, देन संबा मूर्ति केस, दिल्ली जुडिशियल, इंदिरा सावने केस, रूल ऑफ लॉ, कुमार पद्म प्रसाद केस, जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगी, किहोतो होलोहन केस में फ्री फेयर इलेक्शन, सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की बात किया, रघुनाथ राव केस, बुम्बई केस में फेडरलिज्म, सेंटर स्टेट रिलेशन, फेडरलिज्म सेक्युलरिज्म डेमोक्रेसी कहा, देन यूनिटी, सोशल जस्टिस, जुडिशियल रिव्यू, चंद्रा कुमार केस, इंदिरा सावने केस में प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी कहा, ऑल इंडिया जज केस, कुलदीप नायर, नागराज केस, कोहलो केस, इसमें क्या रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर, जुडिशियल रिव्यू, इक्वालिटी, फंडामेंटल राइट्स लाइक दिस, जेठमलानी केस, शर्मा केस एंड दिस मद्रास बार एसोसिएशन. सो ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना, ये ग्रेजुअली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिफाइन होते हुए आगे बढ़े. तो सिक्योरिंग बेसिक स्ट्रक्चर इज इंपॉर्टेंट, ये आर्टिकल लिखा है फली एस नरीमन साहब ने. Then this is India and the Eurasian vacuum, the CBI uneasy history, NAAC, world bids farewell to Queen of England. Then this is efficient data usage is must, market share, IPO, Google, this illegal lending apps. So ये है द इंडियन एक्सप्रेस आज के लिए. आंसर डिस्कशन में बिकॉज इट इज ऐसे तो एक दिन का और टाइम है, यू टेक योर टाइम और राइट अ वेरी गुड ऐसे, कल मैं उसको पॉजिटिवली डिस्कस करूंगा. और फिर प्रीलिम्स क्लास में आज भी हम बैंकिंग वगैरह पढ़ेंगे, मनी बैंकिंग एटसेट्रा, देन वी विल स्विच टू पॉलिटी, वी विल स्विच टू पॉलिटी वेरी वेरी सून. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ.